स्वागत है दोस्तों। तो इस समय से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। पति की शराब छुड़वाने के नाम पर महिला से बार बार दुष्कर्म। पति की शराब छुड़वाने के नाम पर महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला का वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी उसे देता रहा। ये मामला कोरिया जिले के सूरजपुर जिले के अधीना सलका का है। यहाँ रहने वाला आरोपी श्रवण रवि पिता अमरसाय अंबिकापुर में प्राइवेट गार्ड का काम करता है। युवक का पीड़िता की सास से परिचय होने से करीब 2 वर्ष तक युवक उसके ससुराल आता जाता था। वो बोलता था कि उसके पास शराब छुड़ाने की दवा है। पति की लत छुड़ाने महिला युवक के झांसे में फंस गई। महिला ने बताया कि आरोपी ने उसके पति की शराब की लत छुड़ाने की दवा देने के नाम पर 3 माह पहले सूरजपुर बस स्टैंड बुलाया, वहां से ग्राम सतपता के सूने घर में ले जाकर कर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसका वीडियो बना लिया, फिर वीडियो इंटरनेट में वायरल करने की धमकी देकर उसका दैहिक शोषण करता रहा। इससे महिला गर्भवती हो गई। आखिर में तंग आकर महिला ने अपने पति को घटना की जानकारी दी। पीड़ित महिला की शिकायत पर विश्रामपुर पुलिस ने आरोपी श्रवण रवि के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।